मेरे प्यारे देशवासियों, विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ाना होगा। आपने देखा है, अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है। भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है, गगनयान भी अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। ये स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे सामर्थ्य को उजागर करता है। कोरोना के बाद उभरी नई आर्थिक परिस्थितियों में मेक इन इंडिया को स्थापित करने के लिए देश ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स को भी घोषणा की है। इस स्कीम से जो बदलाव आ रहा है, उसका उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है। 7 साल पहले हम लगभग 8 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन इंपोर्ट यानी आयात करते थे। अब इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा घटी है, आज हम 3 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति मिल रही है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भारत में जो बनाएं, उसे हमें बेस्ट क्वालिटी के साथ ग्लोबल कंपटीशन में टिके और हो सके तो एक कदम आगे बढ़े, ये तैयारी करनी है। और ग्लोबल मार्केट को हमने टारगेट करना है। देश के सभी मैन्युफैक्चरर्स को मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इस बात को कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं, वो सिर्फ आपकी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, भारत के कोटि कोटि लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को कहता हूं, आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में लाया जाता रहेगा, उसे खरीदने वाला कहेगा, बड़े गर्व से कहेगा, सीना तान करके कहेगा, हां ये मेड इन इंडिया है, ये मिजाज चाहिए। अब आपके मन में दुनिया के मार्केट में छा जाने का सपना होना चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है।